वेलकम टू वेस्ट प्लस अफेयर्स। बीच में कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से क्लास नहीं हो पाई, तो हमारी आईकोट एलडीसी बूस्टर क्लास 20 हो चुकी थी, तो आज की जो क्लास है ये 21 होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, वही हिंदी और इंग्लिश के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइवेसी सब। तो प्राइवेसी के अंदर जैसे हम देखते आए थे, जैसे क्रोध है, तो क्रोध का क्या होगा? कोप, रोष, गुस्सा, आक्रोश, अमर्ष और रिस। जैसे कोप का आपको पता चल जाएगा, रोष का पता चल जाएगा, गुस्से का पता चल जाएगा, आक्रोश का पता चल जाएगा। आपको एक याद क्या रखना है, आपको याद रखना है अमर्ष और रिस। ये दो चीजें आपको, ये दो क्रोध के प्रायवाची आपको याद रखना है। कौन कौन से? अमर्ष और रिस। कपट, कपट का छल, धोखा, दुराव, ठगी, दगा और वंचना। तो कपट के अंदर आपको दो याद रखना है, एक तो दुराव और एक वंचना। मैं जिसके ऊपर गोला कर रहा हूँ वो तो आपको याद ही रखना है, क्योंकि बिना याद रखे आपको एग्जाम के अंदर दिमाग में नहीं आएगा। नेक्स्ट है पवित्र। तो पवित्र का निर्मल, पावन, शुद्ध और स्वच्छ। ऋषि, ऋषि का मुनि, साधु, महात्मा, संत और मंत्र, मंत्र दृष्ट। तो ये आपको याद रखना है। नौकर का जो सर्वेंट होता है, दास, सेवक, अनुचर, परिचर, भृत्य और किंकर। किंकरी का हो जाएगा नौकरानी और किंकर का हो गया नौकर। तो आपको याद रखना है अनुचर, परिचर, भृत्य और किंकर। ये चार आपको नौकर के पर्यायवाची याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के लिए मैंने जैसे कहा था कि दोनों को आपको एक साथ याद रखना है, क्योंकि एक साथ याद रखोगे तो आपको भूलने के चांसेस नहीं होंगे। जैसे श्री गणेश का इतिश्री, मतलब श्री गणेश जैसे भी कोई अपन अच्छा काम करते हैं तो उसको बोलते हैं इतिश्री, श्री गणेश बोलते हैं और इतिश्री बोलते हैं। शयन, शयन का जागरण, शयन मतलब सोना और जागरण मतलब जागना। ललित या स्वरूप का होगा कुरूप। बलवान, निर्मल, पंडित, मूर्ख, निर्मल, मलिन, निर्दय, सदय, निर्गुण, सगुण। बिक्री, खरीद, बिक्री, फरोख्त। अल्पायु का दीर्घायु या चिरायु। फिर नेक्स्ट है वैकेंस के लिए एक शब्द। तो वैकेंस के लिए एक शब्द, जैसे सत्व, रज और तम का जो समूह होगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं त्रिगुण। क्या बोलते हैं? त्रिगुण। ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय क्या होगा? जो ज्ञात इतिहास का पूर्व का जो समय होता है उसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के अंदर जैसे हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं स्टोन एज जिसको बोलते हैं, कि जहाँ पर मनुष्य सिर्फ और कच्चा मांस खाता था, पत्थरों से शिकार करता था, वो सारी चीज़ें। भूगोल, भूगोल से संबंधित यानी कि जो ज्योग्राफी से संबंधित होता है उसको बोलते हैं भौगोलिक। क्या बोलते हैं? भौगोलिक। भूमि का जो पुत्र होता है उसको भूमिपुत्र या फिर भौम या मंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौम या मंगल। रात को कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला जो रोग होता है वो रतौंधी होता है, जो विटामिन ए की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसको गांव की भाषा में राचिंदा भी बोलते हैं, उसको रतौंधी बोलते हैं, जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है मुहावरे और लोकोक्तियां। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, मतलब जो छल कपट का काम एक बार ही होता है। आधा तीतर आधा बटेर, जैसे उचित सामंजस्य का अभाव। आधा तीतर आधा बटेर, उचित सामंजस्य का अभाव। केर पेर का संग होना, विरुद्ध स्वभाव वालों का एक साथ मिलना। 9 दिन चले 2.5 कोस, काम करने की बहुत धीमी गति। तू डाल डाल मैं बात बात, एक से बढ़कर एक चला। तो आपको यह याद हो गया होगा, ठीक है। इसके अंदर जो आपको याद रखना है वो, एक तो आपको जैसे कि आधा तीतर आधा बटेर ये आपसे पूछा जा सकता है, और 9 दिन चले 2.5 कोस, बहुत धीमे से काम करना। तू डाल डाल मैं पात पात, ये आपको याद रखना है। फिर शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि में मैंने आपको बताया था कि आप जब तक उस शब्द का इमेज अपने माइंड के अंदर नहीं बनाओगे तब तक आपको वो शब्द, उस शब्द का शुद्धि रूप आपको याद नहीं होगा। जैसे प्रतिछाया, तो प्रतिछाया नहीं होता, इसमें आधा च भी आएगा, तो प्रति अच्छाया। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में जो ये दह के ऊपर जो मात्रा है वो छोटी आएगी, जैसे कि प्रतिनिधि। बेईमान, बेईमान ई के ई बड़ी बड़ा ई आएगा बेईमान में, ये देखिए। बृहस्पति, तो बृहस्पति, बृहस्पति में ये वाला रह नहीं आता बल्कि नीचे वाला ग्रह वाला री आएगा, ठीक है, ये देखिए बृहस्पति। प्रोज्वल, प्रोज्वल में डबल आधा जय और फिर वह और फिर ल आता है, ठीक है, प्रोज्वल। फिर नेक्स्ट है शब्द युग्म। तो शब्द युग्म में जैसे अवगत का ज्ञात, अविगत का अलग या दूर होना, अमित का बहुत होता है और अमित का शत्रु होता है, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। जैसे कि अवगत, अविगत का शब्द युग्म क्या होगा, अर्थ क्या होता है, बेसिकली इसका अर्थ पूछा जाता है। जैसे अवगत का मतलब, जैसे कि आपको अवगत कराया जाता है किसी चीज से, तो मतलब आपको उस चीज के बारे में बताया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अविगत, अविगत का मतलब होता है अलग या दूर। अमित, अमित का मतलब होता है बहुत, और अमित, अमित का मतलब होता है शत्रु।
अंश, अंश का मतलब होता है कंधा, यानी कि ये शोल्डर जो होता है उसको अंश बोलते हैं। और एक होता है अंश भाग या हिस्सा, अंश और एक हर भी होता है, ठीक है। तो अंश होता है ऊपर वाला, हर होता है नीचे वाला, ठीक है। अंश मतलब हिस्सा या भाग होता है। हस्ती, हस्ती का मतलब होता है हाथी, एलिफेंट। और हस्ती, हस्ती, हस्ती मतलब होता है अस्तित्व। जैसे कि जो अमिताभ बच्चन है वो एक बहुत बड़ी हस्ती है बॉलीवुड की, तो मतलब उसका अस्तित्व है। हस्त, हस्त का मतलब होता है हाथ, हैंड, ठीक है। अभिसार, अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से छिपकर मिलना, प्रेमी से छिपकर मिलना होता है अभिसार। अभिसार जो बड़े बड़ा अभिसार है उसको बोलते हैं आक्रमण, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसके अंदर है जैसे कि ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वह जगह जहां पर सरकारी और जो सार्वजनिक रिकॉर्ड होते हैं वो संभाल कर रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं आर्कीव्स। क्या बोलते हैं? आर्कीव। नेक्स्ट है एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस, मतलब वह त्यौहार जिसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है उसको बोलते हैं मोमेंटस। क्या बोलते हैं? मोमेंटस। द साउंड ऑफ ए फ्यूनरल बेल, वह आवाज जो कि किसी की मृत्यु पर बजाई जाती है उसको बोलते हैं क्नेल। क्या बोलते हैं? क्नेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वन हु कैन यूज आइदर ऑफ हिज हैंड्स विद इज, मतलब वह जो अपने दोनों हाथों को आराम से यूज कर सकता है उसको बोलते हैं एम्बाइडेक्स्ट्रस। क्या बोलते हैं? एम्बाइडेक्स्ट्रस। जैसे कि थ्री इडियट के अंदर वायरस था। नेक्स्ट है वन हु स्पेशलाइजेस इन द स्टडी ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों के अध्ययन में विशेष ज्ञान रखता हो उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ए पर्सन लिविंग परमानेंटली इन ए सर्टेन प्लेस, वह व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर जगह पर परमानेंट रहता है उसको बोलते हैं डोमिसाइल। आपके पास डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट होता है वो भी बनता है, लेकिन जो आजकल है वो स्टेट का अलग बनता है और सेंट्रल का अलग बनता है। ऑल द कस्टम्स एंड, ऑल द कस्टम्स एंड बिलीफ्स, ऑल द कस्टम्स एंड बिलीफ्स ऑफ ए सोसाइटी, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ट्रेडिशन, संस्कृति। जिसको बोलते हैं कस्टम मतलब जो आचार विचार, जो संस्कृति है, जो कर्मकांड है और जो विश्वास है उनको, जो सोसाइटी होती है उसके अंदर जो भी होता है उनको बोलते हैं ट्रेडिशन। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ ग्रोविंग वेजिटेबल्स, फ्रूट और फ्लावर्स, मतलब वह कला जो सब्जियां, फल और फूल उगाने की जो कला होती है उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड प्रोस, मतलब जो किसी की आदत होती है कविताओं को इकट्ठा करने की, उनको बोलते हैं एंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। ए लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड गुड्स फर्नीचर, उनको क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री। फिर है वोकैब, तो वोकैब के बिना तो इंग्लिश अधूरी है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब होता है रहस्यपूर्ण, यानी कि जो सीक्रेटली जो होता है उसको बोलते हैं क्रिप्टिक। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिस्टेरियस, कंफ्यूजिंग और एनिगमेटिक, एनिगमेटिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर। डीम, डीम का मतलब होता है मानना। क्या होता है? मानना। जैसे सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा? जज, अलाउ और बिलीव, ये हो जाएगा इसका सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसबिलीव, नेगलेक्ट और मिसजज, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम। फिर नेक्स्ट है अनब्रिडल्ड। क्या बोलते हैं? अनब्रिडल्ड का मतलब होता है निरंकुश, जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। जैसे कि प्राचीन काल के अंदर और मध्यकाल और जो अंग्रेजी साम्राज्य था वो निरंकुश था। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? अनकंस्ट्रेंड, अनकंट्रोल्ड और अनरेस्ट्रेंड। एंटोनिम रेस्ट्रेंड और कंट्रोल। नेक्स्ट है ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मतलब होता है अपमानित करना, किसी का अपमान करना, ह्यूमिलिएट करना। सिनोनिम क्या हो जाएगा? मोर्टिफाई, हम्बल और एम्ब्रास, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रेंडाइज और ग्लोरियस। नेक्स्ट है इन विगोरेट। इन विगोरेट मतलब पुनः जीवित करना। जैसे कि माँ जब महाभारत होती है और महाभारत जब खत्म हो जाती है, जो अश्वत्थामा था, द्रोणाचार्य का जो पुत्र था, उसने अपने ब्रह्मास्त्र से पांडवों के जो प्रपौत्र था राजा परीक्षित उसको गर्भ के अंदर ही मार दिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी पूरी जीवन की जीवन का तप लगाकर उसको पुनर्जीवित कर दिया, मतलब इनविगोरेट कर दिया। सिनोनिम क्या हो जाएगा इसका? एनर्जी, रिफ्रेश, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? टायर और टायरिंग।
नेक्स्ट है इडियम और फ्रेजेस। क्या है इडियम और फ्रेजेस? जैसे कि हिंदी के अंदर लोगों के मुहावरे होते हैं, वैसे इंग्लिश के अंदर इडियम और फ्रेजेस होते हैं। जैसे कि क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्राई ओवर इन रिपेयरेबल लॉस, मतलब उसके ऊपर रोना जो अब सही हो ही नहीं सकता। आई नो यू डिडेंट मीन टू ब्रेक माई फोन, सो देर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क नाउ, मतलब जो दूध धुल चुका है उसको समेट जब समेटना पॉसिबल ही नहीं है तो उसके ऊपर रोना कोई फायदेमंद नहीं है। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है एक्टिव एनमिटी, मतलब जो अभी करंट के अंदर आपके पास जो शत्रु है उसको बैड ब्लड कहते हैं। देर इज नथिंग सो बैड एज ट्राइंग टू मेक बैड ब्लड बिटवीन ओवर टू कंट्रीज। क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब है ए नैरो एस्केप। नैरो एस्केप। आई हैड ए क्लोज सेव दिस मॉर्निंग, सम इडियट ऑलमोस्ट नॉक मी ऑफ माई बाइक। ग्रीस पाम। ग्रीस पाम मतलब होता है टू ब्राइब समवन, मतलब किसी को रिश्वत देना, ग्रीस पाम का मतलब होता है। आई ग्रीस द होस्टेस पाम टू गेट ए टेबल विदाउट रिजर्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक रिवार्ड एंड पनिशमेंट पॉलिसी। जैसे आपने कई बार देखा होगा एक इमेज होती है, एक गधा होता है, डोंकी होता है, उसके आगे एक गाजर लटका दी जाती है, तो वो उस गाजर को देखते हुए आगे बढ़ता जाता है। तो मतलब रिवार्ड और पनिशमेंट की जो पॉलिसी होती है उसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक। नेक्स्ट है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। कौन सा? कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। जैसे कि डोज। डोज का मतलब होता है खुराक, ठीक है। जैसे कि आपको कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने तो वो बोलता है ये डोज ले लीजिए आप, तो उसको बोलते हैं खुराक। खुराक। ही डोज हिमसेल्फ अप विद मेडिसिन एंड वेंट टू बेड। एक होता है डोज, ठीक है, एक तो एस वाला होता है डोज और एक होता है जेड वाला। तो डोज का मतलब होता है ऊंग, जबकि और नींद। वी हैड ए लिटिल डोज ऑन द बस। जैसे पावर नैप होता है 10-15 मिनट का, वो होता है डोज। फिर नेक्स्ट है पेट्रोल। पेट्रोल आप सबको पता है, पेट्रोल बम। द रिबेलियस यूज टू टो पेट्रोल बम टू हार्म द पीपल। फिर एक होता है पेट्रोल यानी कि गश्त लगाना, एक होता है पेट्रोल ई वाला और एक होता है ए वाला पेट्रोल, गश्त लगाना। जैसे जो रात को अपन आराम से सो सकें इस वजह से जो पुलिस वाले होते हैं वो रात को पेट्रोलिंग करते हैं। नेक्स्ट है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, मतलब एक जगह स्थिर रहना। द स्टेशनरी एक्सरसाइजिंग साइकिल इज बेस्ट फॉर परफेक्ट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। फिर एक होता है स्टेशनरी, एक तो ए वाला हो गया, एक ई वाला हो गया। तो ए वाला होता है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, स्थिर, और जो ई वाला होता है वो होता है नाउन यानी संज्ञा, कागज की, कागज आदि की सामग्री। हेड ऑफिस रिक्वायर मच मोर स्टेशनरी देन आवर्स, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की 21 नंबर की क्लास। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।